हेलो एवरीवन, आई एम स्मिता। आई एम अगेन हेयर विद माय न्यू वीडियो। मेरे पास जब कॉल आते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न रहता है कि वेडिंग प्लानर्स कैसे काम करते हैं, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या ज़रूरी है वेडिंग प्लानर हायर करना। तो आज इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेडिंग प्लानर्स किस किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या सर्विसेज वेडिंग प्लानर्स प्रोवाइड कर सकते हैं या करते हैं। सबसे पहले हमारा वेडिंग का डेट फाइनल होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें वेन्यू बुकिंग करनी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेन्यू बुकिंग। तो वेडिंग प्लानर्स वेन्यू बुकिंग में हेल्प करते हैं? यस, वेडिंग प्लानर्स डू हेल्प इन वेन्यू बुकिंग। अब इसमें किस तरह से वो वेन्यू बुकिंग करते हैं कि आपको बस अपना प्रिफर्ड लोकेशन या डेस्टिनेशन बताना होता है। यू हैव टू शेयर योर बजट, जो भी टेंटेटिव एक बजट है वो आपको शेयर करना होता है। उसके बाद वो आपको वेन्यू ऑप्शंस फॉरवर्ड करेंगे तो आपको उनके थ्रू वेन्यू आप फाइनल कर सकते हैं। उसके वो वेन्यू के साथ फिर और सारी सर्विसेज का भी वो पैकेज बना के आपको शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आपको सूट करता है वो तो आप उनके साथ वेन्यू बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वेन्यू खुद से बुक करना चाहते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन डिसाइड करिए, नेट से वहाँ के होटल्स रिजॉर्ट्स अपने अकॉर्डिंग निकालिए, उनको कॉल करना स्टार्ट करिए, उनसे प्रपोजल्स मंगाइए, फिर आप सारे प्रपोजल्स अपने सामने रख के उनको इवेल्युएट करिए, उनमें शॉर्टलिस्ट करिए जो आपको सूट करता है, फिर आप उन वेन्यूज़ में जाके विजिट करिए। आप भले ही उन वेन्यूज़ में पहले होकर आए हो या देखा हो, बट जब आप अपनी वेडिंग वहाँ पे प्लान कर रहे हो, आप वहाँ पे करना चाह रहे हो, तो आपको एक फ्रेश विजिट करना ही पड़ेगा। फिर आप सारे वेन्यूज़ में विजिट करिए और फिर आप जो भी शॉर्टलिस्ट करते हैं 2 या 3 उनके प्रपोजल लेके और एक को फाइनल करिए। ये सारा प्रोसेस अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, इतना नहीं करना चाहते हैं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें भी वेडिंग प्लानर्स की हेल्प ले सकते हैं। और वेन्यू बुक करने के बाद आप वेंडर सर्विसेज के लिए वेडिंग प्लानर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेंडर सर्विसेज में क्या क्या आता है? आपका वेंडर सर्विसेज, आपने वेन्यू बुक कर लिया, उसके बाद आपका डेकोर हो गया, फिर आर्टिस्ट, इवेंट्स, जो मैं बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या क्या सर्विसेज होती हैं, क्या क्या उनकी कॉस्टिंग होती है, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो। फिर आपका इसमें मेहंदी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, ये सारी चीज़ें आपकी वेंडर सर्विसेज में आती हैं। इसके लिए आप वेडिंग प्लानर या इवेंट प्लानर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो मेजर रोल होता है वेडिंग प्लानर का, इट्स अ वेडिंग मैनेजमेंट। वेडिंग मैनेजमेंट एक ऐसी सर्विसेज है, वेडिंग मैनेजमेंट आप इसको कह लीजिए, कोऑर्डिनेशन कह लीजिए इसको, आप इसको वेडिंग प्लानिंग कह लीजिए। ये ऐसी सर्विस है जो कि आपको ना तो वेन्यू प्रोवाइड करेगा, ना कोई आपका जो वेंडर्स या आर्टिस्ट हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ना आप खुद से कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेडिंग प्लानर्स की टीम चाहिए होती है। वेडिंग मैनेजमेंट में क्या क्या आपका आता है? वेडिंग मैनेजमेंट में आपका आता है गेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, होटल से आपका कोऑर्डिनेशन, इवेंट्स प्लान करना, उनका टाइमलाइन बनाना, सारे इवेंट्स टाइम से हों, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प डेस्क देना होटल में, किसी गेस्ट को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो चेक इन से लेके चेकआउट तक, ये सारा वेडिंग मैनेजमेंट में आता है, जो कि स्टार्ट हो जाता है जब से आप वेडिंग प्लानर हायर कर लेते हो। उसके बाद से आपको वेडिंग को और क्या क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे उसको और एंटरटेनिंग बना सकते हैं, ये सारा रोल वेडिंग प्लानर का रहता है। ऑन साइट भी वो आपको दोनों तीनों दिन अपना हेल्प डेस्क अपनी टीम के साथ आपके गेस्ट को सबको एक स्पेशल फील कराने के लिए। इन शॉर्ट, वेडिंग प्लानर्स डू कंप्लीट वेडिंग मैनेजमेंट। वेडिंग मैनेजमेंट के साथ साथ वो आपको वेंडर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आपको वेन्यू बुकिंग में भी हेल्प कर सकते हैं या वेन्यू इंक्लूड करके आपको पैकेज दे सकते हैं। तो इस तरह से वेडिंग प्लानर्स काम करते हैं। अब नेक्स्ट डाउट, वेडिंग प्लानर्स चार्ज कैसे करते हैं, क्या वेडिंग प्लानर हायर करना एक एक्सपेंसिव अफेयर है? मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप वेडिंग प्लानर्स सिर्फ वेडिंग मैनेजमेंट के लिए हायर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपने आप या आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आपको ये एक फ्लैट फीस चार्ज करेंगे, या तो फ्लैट फीस चार्ज करेंगे या कुछ वेडिंग प्लानर्स परसेंटेज बेसिस पे भी काम करते हैं, परसेंट ऑफ कंप्लीट वेडिंग का जो भी बजट होता है वो डिपेंड करता है। देखिए, बहुत सारे प्लानर्स हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका है काम करने का। और अगर आपने वेन्यू बुक कर लिया है और आपको उनसे वेंडर सर्विसेज भी चाहिए तो वो एक आपको प्रपोजल बना के देंगे, जिसमें सारी जो भी आपने वेन्यू बुक करा है उसके अकॉर्डिंग डेकोरेशन का प्रपोजल देंगे, प्लस आपका जो भी इवेंट्स हैं, आर्टिस्ट है, जो भी आपने मीटिंग में फाइनल करा है, उन सबका कोटेशन
प्लस उनकी फीस, या फिर उसी में इंक्लूड भी हो सकती है उनकी फीस, वो इस तरह से आपको फिर वो प्रपोजल फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से वेडिंग प्लानर्स काम करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सारा का सारा काम उन्हीं को देना है तभी वो काम करेंगे। वो डिपेंड करता है, बहुत से वेडिंग प्लानर्स सिर्फ डेकोरेशन भी करते हैं, जिनका अपना प्रोडक्शन हो गया है बहुत टाइम से जो काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ डेकोरेशन का भी काम करते हैं, डेकोरेशन के साथ सिर्फ इवेंट्स का भी काम करते हैं। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी वेडिंग मैनेजमेंट चाहिए तो वो भी काम करते हैं, और अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग वेन्यू तो उस तरह से भी वो काम करते हैं। अब थर्ड डाउट कि क्या आपको वेडिंग प्लानर हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इसको भी थोड़ा इजी करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं एंड यू आर वेरी कंसर्न अबाउट योर गेस्ट कि उनको स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए, उनको रिसीव अच्छे से होना चाहिए, उनका वेलकम अच्छे से होना चाहिए, आपके जो भी वेंडर्स हैं वो आपको बार बार परेशान ना करें, बार बार कॉल ना करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, होटल है होटल के साथ कोऑर्डिनेट आपको ना करना पड़े क्योंकि वो आपके दिन है, आप दो दिन जो है वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं इन चीज़ों में अपना अपने आप को ऑक्यूपाई करना। अगर आपको ये सब कंसर्न है और आप जिन फैमिली इवेंट्स या फ्रेंड्स के वेडिंग्स में जाते हैं और आपको लगता है कि आपको भी इस तरह की सर्विसेज मिली हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको वेडिंग प्लानर हायर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका सिर्फ आपको कोई आपके गेस्ट को कुछ भी स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, आपने वेन्यू बुक कर लिया है, वेन्यू वाले ने आपको डेकोर दे दिया है, डीजे दे दिया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए और आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि आप वेंडर कोऑर्डिनेशन खुद कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद से मैनेज कर लोगे, देन यू कैन स्किप हायरिंग वेडिंग प्लानर। ये तो हो गया डेस्टिनेशन वेडिंग के केस में। अगर आप लोकल में ही कोई वेडिंग कर रहे हो और आपका कोई नाइट ये टू नाइट या थ्री नाइट स्टे नहीं है, इट्स जस्ट अ वेडिंग इवेंट, तो आप उसको स्किप कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ वेडिंग इवेंट है, तो उसमें आप या आपके फैमिली मेम्बर्स भी उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि वेडिंग प्लानर हायर करना एक एक्सपेंसिव अफेयर है, आपको फालतू में एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हाँ, मैं ये नहीं कहती कि इवेंट प्लानर्स या वेडिंग प्लानर्स फ्री में काम करते हैं या उनका अपना कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो कुछ अर्न नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो वेडिंग प्लानर्स फीस चार्ज करते हैं उसका उससे ज़्यादा अमाउंट वो आपका सेव कर सकते हैं। कैसे, कि अगर मान लीजिए आप कोई वेंडर फाइनल कर रहे हैं, सपोज डेकोरेटर के आगे आप बैठे हुए हैं, वो डेकोरेशन वाले ने आपको बोल दिया इस डेकोरेशन का 10 लाख रुपए है, बट योर वेडिंग प्लानर नोज कि मार्केट में क्या चल रहा है, ये डेकोरेशन हम कितने में करा सकते हैं, तो वो आपको जो भी वेंडर है आपका वो जेन्युइन रेट्स में आप फाइनल कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ वेडिंग प्लानर्स। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप आंख बंद करके कोई भी वेडिंग प्लानर हायर कर लीजिए, आप अच्छे से उनको एक्सप्लोर करिए, उनके रिव्यूज़ देखिए, उनसे मीटिंग करिए, बात करिए, आपको खुद से एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आप उसी को हायर करेगा। एंड एन एडवाइस टू अपकमिंग वेडिंग प्लानर्स या जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है वेडिंग प्लानिंग, इवेंट प्लानिंग, आप कोशिश करिए कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड बहुत अच्छे से कर सकते हैं अभी उतना ही बुक करिए। पूरी वेडिंग में आपको बहुत सारे लिंक्स की, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ यही नहीं कि आपने पास आपका किसी भी का सबका नंबर आपने सेव कर रखा है, तो मेरे पास तो बहुत सारे लिंक्स हैं, मैं सबसे काम करा लूँगा। जो मैं लिंक्स या कॉन्टैक्ट्स की बात कर रही हूँ वो एक रिलेशन की बात कर रही हूँ, जिनके साथ आप काम करते करते ही कंफर्टेबल होते हैं और उनको जान पाते हैं कि मार्केट में कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। अब वेडिंग्स बुक करो, बट उतना पार्ट बुक करो जो आपको लगता है आप अच्छे से कर सकते हो। अब बहुत सारी सर्विसेज या पूरा वेडिंग ले लोगे तो आप उस टाइम आप भी पैनिक हो जाओगे, आपके गेस्ट क्लाइंट भी पैनिक हो जाएंगे, और आपके लिए तो ये एक स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग इवेंट्स है अभी आपको बहुत सारे करने, बट उस क्लाइंट के लिए, उस गेस्ट के लिए ये वन टाइम है इवेंट, उनका आपको स्पॉइल नहीं करना है किसी भी तरह से। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हाइल फाइनलाइजिंग द थिंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वेडिंग प्लानर्स वर्क, उनकी कॉस्टिंग कैसे होती है, क्या हमें हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो था वेडिंग प्लानर के बारे में। आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, आपको बहुत सारी लोकेशंस भी मिल जाएंगी, डेस्टिनेशंस भी मिल जाएंगी अगर आपको फाइनल करना है तो, और उसमें मैंने बहुत जगह आपको बताया है कि कैसे बजट कैलकुलेट करें वेडिंग्स का, किस तरह से आप पैसे बचा सकते हैं, किस तरह से आप सेफ वेडिंग प्लान कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स। आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, मैं बहुत ही यूज़फुल वीडियोस लेकर आती हूँ और आने वाली हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी वेडिंग प्लानिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर।